हेलो डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट, यू आर वाचिंग टूशन ऑनलाइन। दिस इज प्रेम। अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के अलावे पंजाब जैसे स्टेट से आईसीएसई और आईएससी के एफिलिएटेड स्कूलों में अपने वार्ड यानी कि संतान, बच्चे, स्टूडेंट को भेजने वाले पेरेंट्स ने डिफरेंट मीडिया सोर्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक के अलावे व्हाट्सएप और अन्य सारे नेशनल लेवल के न्यूज चैनल के माध्यम से यह बातें बोली हैं कि वे अपने वार्ड को स्कूल में ऑफलाइन मोड में नहीं भेजेंगे और अगर ऐसे वार्ड के साथ किसी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट किए गए, मतलब क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट को फेल कर दिए गए, तो वे स्कूल को ही बदल लेंगे, यानी कि आईसीएसई और आईएससी वाले को छोड़ के स्टेट बोर्ड में चले जाएंगे। जबरदस्ती क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाए, इसकी डिमांड की गई है। दूसरी बात बोली गई है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्शन है इसको लेकर कोई भी पेरेंट्स अपने स्टूडेंट को नहीं भेजने जा रहा। 90% से ज्यादा पेरेंट्स जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि अपने वार्ड को बोर्ड एग्जामिनेशन में भेजने के लिए तैयार नहीं है। उन सभी पेरेंट्स का स्पष्ट रूप से मानना है कि लाइफ इज ग्रेटर देन एनी एग्जामिनेशन। जब लाइफ रहेंगे तो ऐसे एग्जामिनेशन आते जाते रहेंगे, बच्चों के परफॉर्मेंस थोड़े से खराब होंगे, एक साल के लिए उनका डाउनग्रेडेशन होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो ये न्यूज रिपोर्ट बता रही है उसके मुताबिक स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर बोर्ड एग्जामिनेशन में भेजने का रिस्क लेने के बजाय ये पेरेंट्स स्कूल और सीआईएससी से इस बात की मांग करने वाले हैं कि स्टूडेंट को आइदर जनरल प्रमोशन दे दिया जाए या फिर स्टूडेंट को नेक्स्ट क्लास में पहले के जो रिपोर्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट रिजल्ट वगैरह हैं उसके आधार पर देते हुए यह कहा जाए कि अभी ऑनलाइन मोड में ही क्लास चलाया जाए, मतलब कि सीआईएससी के द्वारा आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के नेक्स्ट सेशन वाले स्टूडेंट के जो एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल से शुरू होने, उसको अभी ऑनलाइन चलाइए जब पूरी तरह से वैक्सीनेशन वगैरह के काम हो जाएंगे। पैंडेमिक के असर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के अलावे पंजाब सहित जो तमिलनाडु और केरल में इस प्रकोप को बढ़ते हुए देखा गया शार्पली, जब तक घट नहीं जाते हैं, इन स्कूलों से यह रिक्वेस्ट किया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाए और उनके सारे एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करें। बोर्ड एग्जामिनेशन में वे स्टूडेंट को भेजने के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं है और पेरेंट्स जिस तरह से अनविलिंग है, जिसके कारण एक नए रुकस की सिचुएशन के पैदा होने की भी बातें बताई जा रही है। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर पेरेंट्स एसोसिएशन डिफरेंट मीडिया ग्रुप पर चलाए जा रहे कैंपेन को अगर सीआईएससी और आईसीएसई के एफिलिएटेड स्कूल नहीं सुनते हैं, इस कंडीशन में इन स्कूलों का जो बहिष्कार करने की बातें सामने आने वाली हैं, तो इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन जो आप न्यूज़पेपर में, न्यूज रिपोर्ट और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, यह बात साफ हो गई है कि पेरेंट्स में बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को लेकर भी एक डर का माहौल है और इस डर की जो सबसे बड़ी एक्सप्रेशन स्टूडेंट को बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्कूल नहीं भेजने के रूप में साफ साफ दिख रहा है। तो अभी जैसी संभावना है कि जुलाई अगस्त तक ऑनलाइन मोड में ही स्कूली लेवल चलेंगे और क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दे देने की बात होगी। फेल कर गए क्लास 9th और क्लास 11th में ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन में, उन्हें भी पास करने की बात को दैनिक जागरण ने भी अपने रिपोर्ट में, इसके लिए एक थम्स अप, यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।